तुम ये मत समझ लेना कि तुम इसको सीज कर खुश रह जाओगे या नोएडा की शांति भंग करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सील कर दीजिए। यदि यहाँ पर शांति चाहते हो, यहाँ पर भाईचारा चाहते हो, भ्रातृत्व भाव चाहते हो, करुणा मैत्री का संबंध चाहते हो तो इसको भूल कर भी आप सीज मत कर देना, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। जो आज मोदी जी जापान जाते हैं कहते हैं मैं बौद्ध देश से आया हूँ, लेकिन वो बौद्ध देश से नहीं, इसको हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वो केवल ये धर्मनिरपेक्ष देश में वो हिंदू मंदिरों को बंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो चर्च को बंद कर रहे हैं, गुरुद्वारे को बंद कर रहे हैं, मस्जिद को तोड़ रहे हैं और बुद्ध विहारों को सीज कर रहे हैं। वो माइनॉरिटीज के लोगों को ये परेशान करने का एक तरीका है। ये हिंदू राष्ट्र की जो शुरुआत की है ये पहला उसका कारण है। और हिंदू राष्ट्र हम कहते हैं इसको बनने नहीं देंगे, हिंदू राष्ट्र तुम बनाओ, हिंदू राष्ट्र हमारे देश जो है मुसलमानों का है, ये देश ईसाइयों का है, सिखों का है, सिखों का ही नहीं ये देश SC ST का है, OBC का है, इस देश को कैसे तुम हिंदू राष्ट्र बना सकते हो? लेकिन तुम चाह रहे हो कि यहाँ से ईसाई भी भाग जाएं, यहाँ से मुसलमान भी भाग जाएं, जो बौद्ध भी भाग जाएं, उनके धार्मिक स्थल को हम तोड़कर निस्त नाबूद कर दें। वो जमाना गुजर गया, ये बाबा साहब के द्वारा बनाया हुआ संविधान है, आप संविधान के अनुसार चलोगे तो ठीक है। हम सेक्टर 11 नोएडा सिद्धार्थ बुद्ध विहार पर हम लोग आए हुए हैं। मेरे साथ में निर्देश जी भी मुरादाबाद से आई हैं और ये प्रकरण करीब 10 तारीख से 9 तारीख से ये प्रकरण चल रहा है। नोएडा अथॉरिटी से इस ज़मीन को, इस प्लॉट को अलॉटमेंट कराया था। अलॉटमेंट के सारे पैसे भर दिए गए हैं, कुछ पैसा 10 लाख के करीब रह गया था, लेकिन नोएडा अथॉरिटी ने हमको कभी बैलेंस का नोटिस नहीं भेजा। आज 20 वर्षों बाद 10.5 लाख रुपए का 3.5 करोड़ का नोटिस हम लोगों को भेज दिया। हम लोग जो इस पर वो लगा है, क्या बोलते हैं उससे, पेनल्टी लगाई है, 20 गुना इस पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाई है और चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर और पेनल्टी लगाकर 10.5 लाख का इन्होंने 3.5 करोड़ कर दिया है। हमें पैसे देने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन हम पूछना चाहते हैं सेक्टर 48 में, सेक्टर 6 में, सेक्टर 38 में, सेक्टर 33 में और सेक्टर 11 के ठीक थोड़ा सा आगे शनि मंदिर, तमाम मंदिरों का इंक्रोचमेंट किया गया है। ना तो उनको तोड़ा जा रहा है, ना उनसे कोई पेनल्टी लगाकर मुआवजा लिया जा रहा है, लेकिन ये बुद्ध से द्वेष रखने वाले लोग जो मोदी जी और योगी जी कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, लेकिन आज उसी की बुद्ध की धरती पर हम लोगों को नोटिस दिया जा रहा है। ये जो अलॉटमेंट हुआ है इस प्लॉट का, वो किसी व्यक्ति के नाम नहीं है, ये कॉमर्शियल नहीं है, ये कोई व्यापार का अड्डा नहीं है, ये किसी का घर नहीं है, ये उन भगवान बुद्ध अर्हत सम्यक संबुद्ध के लिए अलॉट हुआ है, जिन भगवान बुद्ध ने सारे एशिया खंड में ही नहीं सारी दुनिया में अपना परचम लहराया, जिस भगवान बुद्ध ने यहाँ का सर ऊंचा किया, आज उन्हीं भगवान बुद्ध की ज़मीन को, ये उस बुद्ध विहार को, भगवान बुद्ध के घर को ये लोग लॉक करने के लिए आ रहे हैं। हम कहना चाहते हैं ये बुद्ध विहार, ये बुद्ध करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, ये केवल भारत में ही नहीं, महाराष्ट्र के हर कोने में ही नहीं, अरुणाचल, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, आसाम, नागालैंड, लद्दाख ही नहीं, ये जापान में भी बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, थाईलैंड में, मलेशिया में, वियतनाम में, लाओस में, भूटान में, नेपाल में,
आप इसे कैसे यहाँ पर बंद कर सकते हो? यदि इसको बंद किया गया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। यदि इसे थोड़ा सा भी इसको हाथ लगाया गया तो सारी दुनिया में भूचाल आ जाएगा। हम लोग नोएडा अथॉरिटी से कहना चाहते हैं कि हम मुआवजा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको वही जो जेनून ब्याज है, जेनून इंटरेस्ट है, वो 10.5 लाख पर लगा लीजिए, हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन पेनल्टी को और जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसको हम किसी भी हालत में देंगे नहीं। मैं तमाम देश के लोगों से, आज यहाँ पर भीड़ का हुजूम दिखाई देता है, जब उनको मालूम पड़ा कि यहाँ पर उस ज़मीन को सील करने के लिए आ रहे हैं, तो देश के कोने कोने से यहाँ पर हमारे बहन भाई उपासक और हमारे तमाम युवक यहाँ पर आ रहे हैं, और वो इस बात के लिए देखने के लिए आ रहे हैं कि किस समय इसको सीज किया जाए और हम इसका विरोध करें। आज विरोध यहीं पर नहीं है, महाराष्ट्र में भी विरोध हो रहा है। आज ये सील होगा तो आप समझो अरुणाचल में भी यहाँ पर इसका आग जाएगी, महाराष्ट्र में भी जाएगी, उत्तर प्रदेश के हर कोने में जाएगी, आपके मध्य प्रदेश में जाएगी, हरियाणा राजस्थान में जाएगी। तुम ये मत समझ लेना कि तुम इसको सीज कर खुश रह जाओगे या नोएडा की शांति भंग करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सील कर दीजिए। यदि यहाँ पर शांति चाहते हो, यहाँ पर भाईचारा चाहते हो, भ्रातृत्व भाव चाहते हो, करुणा मैत्री का संबंध चाहते हो, तो इसको भूलकर भी आप सीज मत कर देना, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। जो आज मोदी जी जापान जाते हैं, कहते हैं मैं बौद्ध देश से आया हूँ, लेकिन वो बौद्ध देश से नहीं, इसको हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वो केवल ये धर्मनिरपेक्ष देश में वो हिंदू मंदिरों को बंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो चर्च को बंद कर रहे हैं, गुरुद्वारे को बंद कर रहे हैं, मस्जिद को तोड़ रहे हैं और बुद्ध विहारों को सीज कर रहे हैं। वो माइनॉरिटीज के लोगों को ये परेशान करने का एक तरीका है। ये हिंदू राष्ट्र की जो शुरुआत की है, ये पहला उसका कारण है। और हिंदू राष्ट्र हम कहते हैं इसको बनने नहीं देंगे। हिंदू राष्ट्र तुम बनाओ, हिंदू राष्ट्र तुम्हारे, ये देश जो है मुसलमानों का है, ये देश ईसाइयों का है, सिखों का है, सिखों का ही नहीं, ये देश SC ST का है, OBC का है, इस देश को कैसे तुम हिंदू राष्ट्र बना सकते हो? लेकिन तुम चाह रहे हो कि यहाँ से ईसाई भी भाग जाएं, यहाँ से मुसलमान भी भाग जाएं, जो बौद्ध भी भाग जाएं, उनके धार्मिक स्थल को हम तोड़कर निस्त नाबूद कर दें। वो जमाना गुजर गया, ये बाबा साहब के द्वारा बनाया हुआ संविधान है, आप संविधान के अनुसार चलोगे तो ठीक है, लेकिन मुझे दिखता है यहाँ पर कोई लोकतंत्र नहीं है, यहाँ पर किसी भी तरह का यहाँ पर समता नहीं है, यहाँ पर पूरा का पूरा जातिवाद और सांप्रदायिकता दिखाई देती है। जब यहाँ पर यहाँ का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जाते हैं जगन्नाथपुरी के मंदिर में, तो उन्हें सड़क पर ही रोक दिया जाता है, सीढ़ियों पर ही रोक दिया जाता है, गर्भगृह में जाने नहीं दिया जाता। ये कैसा लोकतंत्र है, ये कैसा देश है, ये कैसी समता है, ये कैसी स्वतंत्रता है, ये कैसी मानवता है? हम लोगों से कहना चाहते हैं, देश के लोगों से, जो अल्पसंख्यक के लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, ईसाई लोग हैं और बुद्धिस्ट लोग हैं, सिख लोग हैं, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए सारे लोग एक हो जाओ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं देश के तमाम लोगों से अपील करूंगा कि यदि यहाँ पर कुछ होता है तो आप देश के कोने कोने से यहाँ पर आने का काम करें, कष्ट करें, हम लोग आपके बहुत आभारी होंगे। और हम इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। क्या बनते जी इसमें, इस पूरे मामले में कुछ जो कमेटी है उसकी भी कुछ लापरवाही नज़र आ रही है? उनकी कोई लापरवाही नज़र नहीं आ रही है। उन्होंने पहले मायावती की गवर्नमेंट में इसको माफ़ करने के लिए दिया था, वही एप्लीकेशन पड़ी रही, उसको अप्रूव नहीं किया गया। यदि इनको दिखता था कि मुआवजा नहीं आ रहा है तो इन्होंने 20 साल क्यों इंतज़ार किया, हमें पहले नोटिस दे देते, लेकिन इन्होंने कभी हमको नोटिस नहीं दिया। ये केवल इनका ये था कि हम इस पर ब्याज लगाकर इसको पेनल्टी लगाकर हम इसको बढ़ाते रहेंगे। इनका षड्यंत्र है, मनसा गलत अथॉरिटी जी।